नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर में अपराधियों ने एक बार फिर एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए बुधवार 1 सितंबर 2021 की दोपहर बाद करीब 1 बजे गैस एजेंसी के मैनेजर को गोली मारकर हजारों रुपए लूट लिए। इस गोलीबारी की घटना में गैस एजेंसी के मैनेजर बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया, जिसके बाद घायल मैनेजर के परिजनों ने उसे शहर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम निवासी चंद्रमोहन सिंह के 40 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार के रूप में की गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभूपट्टी गांव स्थित एक गैस एजेंसी के गोदाम पर बाइक सवार हथियारबंद अपराधी पहुंचे और गैस एजेंसी के मैनेजर के पास रखा पैसा लूटने की कोशिश करने लगा, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने मैनेजर को गोली मार दी तथा करीब 20,000 रुपए लूट लिए और हथियार लहराते हुए भाग गए। अपराधियों की संख्या 3 बताई जा रही है, जो एक ही बाइक पर सवार होकर आए थे। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर मानवजीत सिंह ढिलो ने बताया कि गैस एजेंसी के मैनेजर को गोली मारकर रुपए लूट लिए जाने की बात सामने आ रही है। एजेंसी में तथा आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। बहुत जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। ये एचपी गिरीश गैस पे पैसा छीनने के क्रम में इनको गोली मारा गया। जी जी, उसी क्रम में इनको गोली लगा। हाँ। और जो आदमी आए हुए तो भाग गया। हाँ। 4 आदमी था। हाँ। अपाची गाड़ी से। जी जी, भाग गया। ये घटना कहाँ पे हुआ सर? शंभूपट्टी संजीवियर से बगल।